किचन के काम को आसान करने के लिए आज मैं लाई हूँ छोटी छोटी सी टिप्स, जिससे कि आपका कुछ टाइम बचेगा तो आप उस टाइम को अपने लिए यूटिलाइज कर पाओगे। सत श्री अकाल फ्रेंड्स, हरजीत की रसोई में आप सभी का स्वागत है। ये टिप बहुत छोटी सी है पर बहुत ही यूज़फुल है। ये है प्याज को लेकर। तो प्याज का यूज़ तो हम सुबह से रात तक कई बार करते हैं, काटते हैं उसको। तो प्याज को जब हम काटते हैं ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि आँखों से आंसू बहुत आते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है इनको काटना। और कोई कोई प्याज तो बहुत कड़वा होता है, तो उसको काटना तो और मुश्किल होता है। तो इसके लिए ना आप क्या कर सकते हो कि ऐसा ना हो, आप प्याज को ना एक बाउल में किसी में डालकर उसमें पानी डाल देना। तो पानी का कुछ ऐसा नहीं है कि गर्म लेना है, ठंडा लेना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी डालना, जितने में प्याज जो है डूब जाए। 5 मिनट बस छोड़ना है। 5 मिनट के बाद इसको आप छीलोगे, काटोगे तो आंखों से आंसू नहीं आएंगे, आराम से ये छिल जाएगा। ये टिप भी प्याज को लेकर ही है। अब प्याज को हम जब काटते हैं तो नाइफ का यूज़ करते हैं। नाइफ को बिना यूज़ किए हुए आज मैं प्याज को कट करना बता रही हूँ। तो देखिए, मैंने लिया है पीलर कह लो या स्क्रैबर कह लो, इस तरह का सभी के घरों में होता है। तो ये लेना है और प्याज को आपने पकड़ कर इस तरह से कट करना है। तो देखिए आप कितनी पतली पतली स्लाइस आ रही है, कितना पतला पतला ये लेयर्स में कट हो रहा है। वो बहुत इजीली हो रहा है। अगर हम प्याज को नाइफ से कट करेंगे ना, तो इतना पतला कभी भी नहीं कट हो पाता। तो ये बहुत ही पतला पतला प्याज कट हो जाता है। और इसको आप यूज़ कर सकते हो किसी भी सब्जी को बनाने में, बिरयानी बनाने में, कैसे भी यूज़ कर सकते हो। और ये जल्दी से ब्राउन भी हो जाता है, बहुत पतला है ना, तो ब्राउन भी जल्दी होता है, भुनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो ये देखा आपने कितनी आसानी से काम हो गया बिना नाइफ का यूज़ किए हुए। अब मैं आपको पापड़ का एक यूनिक सा यूज़ बता रही हूँ। पापड़ को अक्सर हम भून कर ही खाते हैं या फ्राई कर लेते हैं, या इसकी मैंने आपको भेल पूड़ी चाट वगैरह भी बनानी बताई हुई है, पर आज मैं इसका बहुत ही यूनिक सा यूज़ बता रही हूँ। आप इसको पूरा देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। तो आपने क्या करना है, पापड़ लेने हैं। पापड़ आपके पास जो हो, ज़रूरी नहीं है कम स्पाइसी हो, ज़्यादा स्पाइसी हो, जो आपके घर पे रखे हो ना वो ले लेना। तो ये मैंने 3 पीस लिए हैं। अब इसको हमने कट करना है। तो कट करने के लिए सीजर ले ली है, तो एक एक पापड़ करके कट कर लें। लंबी लंबी स्ट्रिप कर रही हूँ देखिए मैं, चाहे तो दो दो पापड़ इकट्ठे कर लें, आराम से हो जाता है। देखें ऐसी स्ट्रिप आपने कट करनी है। अब लेना है एक पैन या ये सॉस पैन, कोई भी ले लें, उसमें पानी पानी 1-1.5 गिलास डाल लेना। पानी जब थोड़ा गर्म होना शुरू हो जाए ना, तब इसमें आप इसे स्ट्रिप को डाल देना, जो हमने पापड़ की कट की है ना ये डाल देना। तो उसके बाद देखें इसमें एक बॉइल आ गया, बस एक ही बॉइल दिलवाना है, ज़्यादा बॉइल नहीं दिलवाने हैं। एक बॉईल आते ही गैस को आपने बंद करना है और इसको स्ट्रेन कर लेना है, जो पानी हटा देंगे और इसके ऊपर से नॉर्मल रूम टेम्परेचर का थोड़ा पानी डाल देंगे, ताकि इसकी जो कुकिंग प्रोसीजर चल रहा है ना वो रुक जाए, पापड़ और ना गले। 1-2 गिलास के करीब ऊपर से डालकर इसको प्लेट पर निकाल कर रख लेंगे। ये देखें, अब ये मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ बटर। तो 2 टेबल स्पून के करीब बटर डाल रही हूँ मैं। और अब इसमें डालना है मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लार, तो ये भी 2 टेबल स्पून, यानी कि जितना हमने बटर लेना है ना उतना ही मैदा लेना है, सेम क्वांटिटी में लेना है। अब हमने मैदे को भूनना है, जिससे कि मैदे का कच्चा टेस्ट ना रहे, अच्छी तरह से ये भून जाए। गैस की फ्लेम मीडियम रख देना। और अब ये देखें मैदा जो है भून गया, इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया, इससे ज़्यादा चेंज नहीं करना है। तो इस समय इसमें डालना है मिल्क। 1 कप मैं मिल्क डाल रही हूँ। तो मिल्क लेना है रूम टेम्परेचर का, पहले से बॉईल किया हुआ मिल्क है ये, रूम टेम्परेचर का ये इसमें डालकर ना मिक्स कर लेंगे, जिससे कि लम्स ना बने। अब ये देखिए इसमें बॉईल आ गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी शिमला मिर्च, मैंने काट कर ली है बारीक बारीक, और साथ में ये मैं डाल रही हूँ थोड़े से बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न बॉईल करके लिए मैंने। तो ये जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ ना, सब ऑप्शनल है। अगर आप इनमें से कोई एक चीज़ डाल सकते हो, नहीं डालना चाहते हो तो बिना इनके भी बना सकते हो। तो सारी चीज़ें डाल दी हैं और इसको अब 1-2 मिनट पकाना है। तो देखिए अभी मुझे ये थिक लग रही है ना इसकी ग्रेवी सी, तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी।
आधे कप के करीब पानी डालो, क्योंकि दूध तो हम पहले ही डाल चुके हैं, तो थोड़ा इसमें पानी भी डाला जा सकता है। पानी डालने के बाद देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी ठीक आ गई है, तो इसमें आप थोड़े से मिर्च मसाले भी डालेंगे, जैसे नमक डाल लेंगे स्वाद के अनुसार, काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा जाएगा, मिक्स हर्ब डालेंगे, रेड चिली फ्लेक्स और पास्ता सीजनिंग, इनमें से जो जो आपके पास हो ना आपने डालना है, अच्छी तरह से बस मिक्स करना है। और जो अब हमने पापड़ को बॉईल करके रखा होगा ना उनको डाल देंगे। पापड़ डालने के बाद ना इसको हम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हल्का सा बॉईल आ जाए तो गैस बंद कर देंगे और इसको सर्व कर लेंगे। ऊपर से फिर से डाल लेंगे थोड़ा सा पास्ता सीजनिंग और जो चिली फ्लेक्स वगैरह आप डालना चाहो इस पर डाल लेना। इसको आप गर्मा गर्म खाना, ये बिना पास्ता के वाइट सॉस पास्ता बना, यानी पापड़ वाला वाइट सॉस पास्ता हमने बनाया है। बहुत ही यूनिक सी ये रेसिपी है, खाने में ये बहुत टेस्टी लगता है, तो ये बनने में भी बहुत आसान है। पापड़ तो घर पर होते ही हैं, इससे आप इसे जब मन चाहे बना सकते हो, बच्चे बड़े सभी खुश होकर इसको खा लेते हैं। आलू को बॉईल करने की बहुत ही अच्छी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आलू को बॉईल करते हैं जब हम, तो वो काफ़ी चिपचिपे से हो जाते हैं, जिससे कि हम पराठे वगैरह कुछ भी बनाते हैं ना तो वो फटते हैं, तो ऐसा ना हो इसके लिए ये मैं आलू को बॉईल करने की बहुत अच्छी टिप शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपने क्या करने है, देखिए मैंने आलू लिए हैं, आप किसी भी साइज़ के आलू ले सकते हो, तो ये मैंने छोटे बड़े मीडियम सारे साइज़ के ले लिए हैं। तो अब ये मैंने लिया है पानी, इसमें हम डिप करेंगे कोई साफ सा किचन टॉवल, इसको निचोड़ लेंगे और अब एक डिब्बा ऐसा लेंगे बॉक्स जो कि हमारे कुकर के अंदर पूरा आ जाए। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर अब किचन टॉवल को बिछा दिया है, इसमें हम रख लेंगे सारे आलू और अच्छी तरह से कवर कर देंगे। तो अब कुकर में लेंगे थोड़ा सा पानी, एक गिलास के करीब पानी डाल लेंगे, इसमें रख देंगे हम आलू को, ये बर्तन रख देंगे और कुकर को बंद करके हम इसमें 2 से 3 विसल तक लगवाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपके आलू कितने हैं या साइज़ में कितने बड़े हैं, उस हिसाब से विसल आपको लगवानी पड़ सकती है। तो ये देखिए मैंने आलू को बॉईल कर लिया है, अब मैं आपको इसको कट करके भी दिखा रही हूँ। देखिए आप कितने अच्छे तरीके से ये बॉईल हो गए हैं। इससे पहले भी आलू को बॉईल करने की मैंने टिप आपके साथ शेयर की हुई है, तो ये भी टिप बहुत अच्छी है, आप सब इसको करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, इनमें से आपको कौन सी वाली टिप अच्छी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, खुश रहें, स्वस्थ रहें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।